सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उनकी कमियां हमारे सामने आती हैं, उनकी बुराइयां हमारे सामने आती हैं, हमारी बुराइयां उनके साथ आती हैं। परमेश्वर का वचन कहता हमें सहनशीलता के साथ एक दूसरे का बिहेव करना है। और बाइबल में मुझे दो व्यक्ति जो है बहुत अच्छे लगते हैं जिनकी जिंदगियों में ये वचन कहा जाए तो कूट कूट के भरा हुआ था, जिनकी जिंदगियों में ये वचन पूरा होता हुआ देखा था। पुराने नियम में उत्पत्ति की किताब पहली किताब है उसमें उनका नाम है यूसुफ, सहनशीलता से माफ करने में भरा हुआ है। और नए नियम की पहली किताब उसमें भी उस व्यक्ति का नाम यूसुफ ही है। कौन? जिसका जो मरियम का मंगेतर था। आप सब जानते हैं, हम नेटवर्क स्टोरी को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह की यूसुफ और मरियम की मंगनी को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम के गर्भ के बारे में जानते हैं, उस हालात के बारे में जानते हैं जो यूसुफ जिस टेंशन में था मरियम को लेकर, उसके गर्भ को लेकर जिस प्रकार से वो परेशान था, ये सारी परिस्थिति हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, सुना है, संडे स्कूल के लेकर बड़े तक हमने पढ़ा है। लेकिन उसके पास पूरा पूरा चांस था, अधिकार था, उसके पास पूरा मौका था मरियम को दोषित करने का, मरियम को कुलंकित करने का, मरियम के इस गर्भ को लेकर के उसको जग में जाहिर करने का। वो चाहता तो अपने मां बाप को लेकर के दूसरे मां बाप के पास जाता, वो चाहता तो अपने मां बाप को लेकर के अपने गांव की पंचायत को लेकर उस पंचायत में जाता और मरियम को एक्सपोज कर देता। और आप जानते हैं, यदि व्यवस्था के बारे में हम जानते हैं, व्यवस्था पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई कुंवारी लड़की गर्भवती पाई जाती है तो उसे पत्थर मार मार के मार देना चाहिए, उसे पत्थर मार मार के पथरवा करके उसको खत्म करना चाहिए। और यूसुफ में अगर परमेश्वर का आत्मा ना करता, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार वो ना चलता होता, वो ऐसा काम करवा सकता तो क्या होता, मरियम को पत्थरों से तो मारा जाता। लेकिन जिस बड़ी योजना में परमेश्वर ने यूसुफ को शामिल किया वो उसमें उसका नाम कभी ना होता। मरियम गर्भवती थी, उसके सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई थी और इस सच्चाई को वो कैसे समझे, इतने बड़े असमंजस में, टेंशन में था। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने जब उससे बात की, परमेश्वर के दूत ने जब उसे समझाया, वो सारी बातों को भूल गया। उसने जो भी दोष देने का कारण था, जो भी उसको गिला शिकवा था, सारा कचरा छोड़ करके उसने परमेश्वर के साथ उस आत्मा में उसको प्रभु के हाथ में सौंप दिया। अपने भाइयों को उसने पहचाना, उनके साथ जो भी, उसके बाद आगे खत आगे में देखते हैं याकूब की मृत्यु के बाद, याकूब की मृत्यु के बाद उसके भाई अब डरे हुए हैं कि अब तक जो एक ढाल थी, अब तक जो हमारा सुरक्षा कवच था वो टूट गया, पाप खत्म हो गया है, अब यूसुफ हम सबसे गिन गिन के बदले लेगा। वो उसके सामने आए, उससे बातचीत हुई है, वचन में लिखा है उत्पत्ति की किताब उसका 50वां अध्याय उसके 20 वचन में लिखा, जब उन्होंने अपनी बात रखी वचन में लिखा यूसुफ रो पड़ा और उनसे कहा जिन जिन बातों में तुमने मेरे लिए बुराई की है उन्हीं बातों में परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई की है। उसने अपने भाइयों को माफ कर दिया। उसके पास बहुत वजह थी, पावर थी, यदि वो चाहता तो अपने भाइयों के साथ इस तरीके से डील ना करता जैसे उसने डील किया है। और परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो मुझे आपको हम सबको यही कहता है यदि किसी को किसी के ऊपर दोष देने की कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो।
और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया। पहली चीज थोड़ा देखेंगे, पहली चीज क्या देखिया, हमें एक दूसरे के साथ बोलिए सहनशीलता के साथ पेश आना, बोलिए हमारे बीच में यदि हम उस आत्मा में आना है या उस आत्मा को हमने अनुभव करना है, पहली चीज सहनशीलता और दूसरी चीज माफ करना, दूसरी चीज माफ करना, जैसे परमेश्वर ने हमारे अपराधों को माफ किया है वैसे ही हमने एक दूसरे के अपराधों को माफ कर दिया। जब हम भजन संहिता 103 पढ़ते हैं, 10 11 12 वचन पढ़ते हैं, मेरे प्रियो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, उसने हमारी बुराई हमारे पाप के अनुसार हमसे हमें बदला नहीं दिया। आप जरा इमेजिन कीजिए, आप सोचिए, जरा कल्पना कीजिए कि यदि परमेश्वर मेरे आप हम में से किसी के कामों के अनुसार या हमारी बुराई के अनुसार हमसे हिसाब किताब करता या हमें बदला देता, कहां ठहरते दिया, क्या होता हमारा? क्योंकि मेरी जिंदगी का बेस्ट जज मैं हूं जहां परमेश्वर है, और ऐसा आप सब जानते हैं, हम कैसे हैं, कैसा खाते पीते हैं, कैसी भाषा है, कैसा बोलते हैं, किन लोगों के बीच में रहते हैं, कौन से हम काम करते हैं, मेरे प्रियो मैं आप और उसके बाद परमेश्वर जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। हम कोई भाई बहन भी इकट्ठे जाते होंगे ना, हम उनके ऊपर भी शक करेंगे, हम कोई बड़े दोस्त पक्के मित्र बड़े पवित्रता से रहते हैं हम उनके लिए भी उंगली उठा देंगे, हम कोई किसी भी तरह से जो बड़े सीधे अच्छे रीति से कोई काम कर रहा था हम उनके ऊपर भी कोई ना कोई दोष लगा देंगे। लेकिन असलियत सच्चाई परमेश्वर जानता है, क्या हम खुद जानते हैं, और उसके अलावा भी हम किस किस के किस किस तरह के लोगों में रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम कैसे काम करते हैं, जायज नजायज है कैसे हैं, वो हम जानते हैं। और प्रभु का वचन कहता प्रभु ने इन कामों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, उसका बदला नहीं हमें दिया, बल्कि क्या किया, जितना पूर्व से पश्चिम। मैं कई बार ये कहता हूं, किसी ने पूर्व में खड़े होकर के पश्चिम देखा, या किसी ने दिल्ली के लाल किला पर खड़े होकर के किसी ने अमृतसर का गोल्डन टेम्पल देखा, देखा क्या, बोलिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा। और ऐसे परमेश्वर का जो ये वचन है, प्रभु अपने लोगों के जिनसे प्रेम करते हैं अपराधों को इतनी दूर कर देता है, वो उनको कभी याद नहीं करता। परमेश्वर का वचन कहता है उसको अपनी पीठ के पीछे फेंक देता, जैसे एक काली घटा, जिसे कहते हैं काली घटा की तरह उड़ा देता है।